नमस्कार, आज मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाऊंगी और यह गर्मियों के लिए बहुत टेस्टी डेजर्ट है। खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है और ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में खाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन लिया है और इसमें मैं 1/2 लीटर दूध ले रही हूँ। दूध को ऑलरेडी बॉयल कर लिया है मैंने, पहले से उबाल के इसको ठंडा दूध लेना है, उबाल के ठंडा करके उसके बाद लेना है। तो 1/2 लीटर दूध में मैं बनाऊंगी। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से नहीं ख़रीदना चाहें या फिर किसी भी वजह से आपका आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर बना सकते हैं। इसको मैंने घर पर ही बनाया है। तो 2 से 2.5 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर मिलाने के बाद अच्छे से उसके बाद हम गैस के ऊपर बिठाएंगे और लगातार इसको चलाते रहें, क्योंकि आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये गांठे बन जाएगी। तो लगातार चलाते हुए 5 मिनट हो चुका है मुझे, और गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखे। और जब आप कस्टर्ड पाउडर मिक्स जो दूध है इसको बॉइल कर रहे हैं तब ऐसे लगातार चलाते हुए ही इसको पकाना है। अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें गांठे हो जाएगा और बॉल बॉल जैसा हो जाएगा, अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। उसके बाद इसको आप गैस बंद कर दें थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद। एक बार नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद इसको कोई भी बर्तन में कोई भी बाउल में डाल के आप इसको ठंडा कर लीजिए। इसका 2 प्रोसेस है। अगर आप बाद में फ्रूट डालना चाहे तो इसको आप ठंडा करके उसके बाद एक एक करके फ्रूट डाल सकते हैं। तो फ्रूट यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल कटी हुई, और यहाँ पे है ग्रेप्स अंगूर कटा हुआ, ये वाला ग्रीन अंगूर लिया है, और इधर मैंने काला अंगूर लिया है। मैंने 2 तरह की अंगूर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मैंने हरी वाली अंगूर, काला अंगूर, एप्पल, और यहाँ पे है केला। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अनार के दाने। आपके पसंद के मुताबिक इसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि पपाया, चीकू, इस तरह की फ्रूट्स जो है डाल सकते हैं। इसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। पहले आप कस्टर्ड मिल्क को ठंडा कर ले और उसके बाद फ्रूट्स में डायरेक्ट डाल के इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर कस्टर्ड मिल्क में फ्रूट डाल के उसके बाद ठंडा करके तुरंत सर्व कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको खट्टा वाला जो फ्रूट्स है जैसे संतरा, ऑरेंज जैसा फ्रूट जो है नहीं डालना है। तो फ्रिज में इसको 2 घंटा के लिए रख दीजिए सर्व करने से पहले, उसके बाद 2 घंटे के बाद इसको ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और ऊपर आ रहे पेज पर क्लिक करके देख सकते हैं दूसरी रेसिपी। थैंक यू।